तो जी हाँ गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। और यह है एलिमिनेशन टूर्नामेंट एशिया, इसमें हम ठीक ठाक खेले थे। और यहाँ पे मेरे पे स्पेशल रिमोट भी नहीं थे क्योंकि वॉर हुई थी, तो सबने बोला था हटा दो और मैं फिर लगाना भूल गया और सीधा ऐसे ही मैं टूर्नामेंट में आ गया। और क्या ही बुरा सीन हुआ इस वाले मैच में, ये देखो देखो ये मेरे क्लैन का बंदा मेरे को हक करे जा रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया मेरे मैच में ही। और मेरे पे स्पेशल रिमोट थे नहीं ना पंच ना हक, तो देखो इसने मेरे को यहाँ पे हक करेगा ये, और भाई ऐसे लेके गया मेरे को, भाई इतना डर लगा। अब तो गया, बच गया मैं। अब मैं इससे दूर जाना चाह रहा था, मैं इसके पास आके रिमोट किया, देखो अब यहाँ पे इसने मेरे को पंच मारा, हम दोनों एलिमिनेट हो गए, ख़त्म कहानी। अब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी इस वाले राउंड में उस बंदे पे। और ये थर्ड राउंड है, मैंने सेकंड राउंड खेला नहीं था ठीक है, तो भूल गया था मैं, कहीं चला गया था। और यहाँ पे मैं आराम से एकदम, मैं चाहता था कि मैं दो कर लूँ या फिर तीन तो कर ही लूँ, क्योंकि दो पे क्वालिफाई हो जाते हैं और तीन पे तो कर ही लाएंगे आराम से। और आराम आराम से मैं खेल रहा था यहाँ पे, ये बंदा एफ के था, इसको मुँह कोड़ दिया मैंने वहाँ जाके। और फिर बस एक बंदे को और गिराना था, तो थोड़ा लंबा मैच चला था एक बंदे को गिराने के लिए। ये वाले पता नहीं देखो कैसा वेरिएंट पहन के आ गया ये वाला बंदा, मेरे को हाय कह रहा था लेकिन मैंने पंच मार दिया, मुझे बुरा लग रहा था। उसके बाद फिर इसने भी मुझे पंच मारा, अब ये पीछे ही पड़ गया मेरे, और फिर बम ने भी उसी की साइड फेंक दिया और मेरे टारगेट करने लगा वो बंदा मेरे को ही। और यहाँ पे मैं आके दूर खड़ा हो जाता हूँ और वो यहीं पे आएगा, देखना आ गया पंच मारने के लिए यहीं पे। देखो भाई टारगेट करना शुरू कर दिया मैंने गलती से, पंच क्या मार दिया और यहाँ बच गया, बस ये अभी चला जाता उस तक गेम ओवर हो जाता। देखो वहाँ पे अब उस नूब को पानी में फेंक दिया और वाला राउंड हम क्वालिफाई कर गए आराम से। और यहाँ पे मैं क्वालिफाई कर गया था एक राउंड, और एक उस बंदे की वजह से एलिमिनेट हो गया और एक मैंने खेला नहीं। और फिर से बम्बार्डमेंट आ गया, मुझे लग रहा था बस ये वाला और क्वालिफाई करना, फिर मैं चला जाऊँगा सेकंड फेज में। और यहाँ पे देखो ये एफ आर ब्लैक आई है, मेरा ये फ्रेंड था और मैं उसको देखता हूँ ये कहाँ चला जाता है। देखो अब उसने उसको हक करके फेंक दिया और मैं उसको मैच में ढूंढता रह जाता, मेरा फ्रेंड का चला गया, देखा था एलिमिनेट हो गया। मैंने उसको पीसी में ही बैठा था मैं उसके साथ उस समय, और इसने बोला देख मैं तेरे मैच में आ गया। और यहाँ पे फिर मेरे को बस क्वालिफाई करना था, तो मैं दूर खड़ा हो गया था सबसे, और ये बंदा मेरे पास ही आया पंच मारने के लिए। बहुत कर रहा था, मैंने पंच मारा और बहुत जल्दी क्वालिफाई हो गया मैं इस वाले मैच में। और हम फेज टू में हो जाते हैं और मेरी पोजिशन कुछ 50 के आसपास थी, वन है। और लिटरली मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, पता नहीं भाई आवाज़ को क्या हो गया था, अभी ऐसे तेज तेज हो गई थी बिल्कुल इन टू 10 स्पीड। तो यहाँ पे आ जाता है लेजर ट्रेजर, और यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉट होता है कि मेरे को इससे बहुत मतलब, अभी देखना मैं बिना बात पंगे लेता है वो मेरे पास आएगा और पंच मारेगा। देखो यह तीन एलिमेंट, देखो भाई पंच मार दिया इतना दूर से, भाई कौन सा हैक लगा के खेल रहा था पता नहीं। और यहाँ आई एन डी के बंदे भी आ गए थे बहुत सारे, मैं सबको ट्राई कर रहा था जल्दी से एलिमिनेट करा के, मुझे थर्ड फेस में जाना है। ओके, और मेरी ये फर्स्ट हाईलाइट है, तो कमेंट करके बता दो और ऐसी हाईलाइट चाहिए कि नहीं, और वीडियो को लाइक कर दो जब तक। और यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाते हैं बाकी बंदे, तीन बंदे, और हम आगे चले जाते हैं। और यहाँ पे अब आता है हमारा प्यारा हनी ड्रॉप, इसमें मैं ज़्यादातर एलिमिनेट ही होता हूँ क्योंकि टाइल का सीन रहता है ना, बंदे ज़्यादा तेज तेज काटते हैं नीचे लास्ट वाली फ्लोर पे, तो भाई ऐसे एकदम ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आराम से इंटेंस मैच था, और ये एस्ट्रोनॉट शायद फिर से मेरे मैच सेम एस्ट्रोनॉट था या फिर सेम स्किन थी, नाम नहीं पता मुझे उसका, शायद वही था ये। और यहाँ पर मैंने स्विच को बहुत ही बुरा पंच मारा, और मेरा बस मन में यही था कि मैं मिनिमम तीन तो करने होंगे थर्ड फेस में जाने के लिए, और मैंने एक कर लिया और इसको करूँगा और अगले मैच को कर लूँगा ना, मैं चार भी करना चाहता था लेकिन तीन तो मुझे मिनिमम करने थे। कितना लग अच्छा नहीं है भाई। और आगे वो देखो डायनासोर था, डायनासोर ही है ना हाँ, और उसको मेरे को लगा ये भी पंच मारेगा, इसको मैं पंच मार देता हूँ लेकिन इसमें पंच नहीं होता, सॉरी मुझे पता नहीं था। और मैं मारता नहीं हूँ वरना मारता नहीं मैं ठीक है ना। और मैं सबसे नीचे पहुँच जाता हूँ, और फिर बस मुझे यही था कि मैं क्वालिफाई कर लूँ बस आराम से, और कुछ नहीं करना।
बस ये वाला राउंड क्वालिफाई हो जाऊंगा, फिर बम्बारमेंट तो इजी रहता ही है अगर आता है तो। और यहाँ पे सब एक ही फ्लोर पे आ गए थे, सभी नीचे थे और वहाँ पे ज़्यादा टाइल्स थी और हम तीन बंदे इधर ही थे और मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। गलत ही सीन हो गया। अब मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि अब मैं थर्ड फेज में नहीं जा पाऊँगा और यहाँ थर्ड राउंड बम्बारमेंट आ जाता है। मुझे बस यही था कि मेरे को पता था तीन पे क्वालिफाई कर लेते हैं क्या, है ना, वो बस मेरा यही प्रे कर रहा था कि मैं बस ये वाला कर लूँ और इसके अगले वाला मैच क्वालिफाई कर लूँ। और फोर, क्योंकि टू पे तो भाई बहुत बिल्कुल चांसेस ही नहीं है, 0% चांसेस। और थ्री पे भी हो जाते हैं लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं कर जाऊँगा थ्री पे, क्योंकि एक मैच वो हनी ड्रॉप में ख़राब हो गया हमारा। मैं यहाँ पे पंच मारने का ट्राई करता हूँ, इस लाइन को लगता नहीं है। और देखो भाई ये जो है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट ये मेरे को टारगेट करता है। देखो इसने मुझे घूम के पंच मारा और टूरिस्ट अब उसके सामने बंदे खड़े हुए लेकिन मेरे को टारगेट कर रहा था ये, और सस्ते नशे करके बैठा था। देखो अब मैं इसके पास आता हूँ, मैं दूर भाग जाता हूँ, अब पंगे नहीं लेने, एक बंदा रह रहा है। देखो यही आएगा, उड़ के आएगा, देखो मारने आ जाता है, लेकिन एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है और हम नेक्स्ट मैच में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हनी ड्रॉप आ जाता है और मेरे को बस यही था कि थ्री पॉइंट पे क्वालिफाई करूँगा और टूर्नामेंट जीतूँगा थर्ड फेस में। ज़्यादा ही बड़ी बात कर दी मैंने, लेकिन बस मेरा ये था थर्ड फेस तक जाना है, क्योंकि मुझे मैं बहुत दिन बाद टूर्नामेंट खेलना था कोई तो इसलिए। और यहाँ पे देखो पीछे मुड़ के पंच मारने का ट्राई करता है वो मुझे स्विमर गन, और यहाँ पे ये ब्लैक डेविल भी ट्राई करता है लेकिन मैं बच जाता हूँ। और मैं सोच रहा था कि नीचे चला जाऊँ, सबसे नीचे सारे टाइल्स ख़त्म कर दूँ, बस ये मैं सोच रहा था। मैंने सोचा मैं कहीं खुद ना अपने ट्रैक में फंस जाऊँ, तो मैं सोचा था इन लोगों के साथ ही चलते रहते हैं, ये वाला राउंड तो इजीली क्वालिफाई कर ही लूँगा मैं भाई, घंटा क्वालिफाई करता हूँ। देखो एक बार भाई ज़िंदगी झंड कर रखी है। आई डिलीटली स्टम्बल गाइस आफ्टर दिस वाला सीन हो गया था बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे ये जो बंदा, मैं ब्लू निंजा की टाइल काटने का ट्राई करता हूँ और टाइल काट भी देता हूँ, और इधर यार ये बंदा मेरे को पंच मार देता है, मेरा गेम ओवर कर देता है। और टू पॉइंटर पे मेरी पोजीशन कुछ भी नहीं होती, 190 पोजीशन, और टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद मेरी पोजीशन मतलब एलिमिनेट होने के बाद 190 पहुँच जाती है। अगर वो पंच नहीं मारता तो शायद ही मैं क्वालिफाई करता, थर्ड फेस में जाता। और ये स्टम्बल गाइज वाले मेरे को एक जंप पकड़ा के फेंक देते हैं। और आप लोगों को ऐसे और टूर्नामेंट के हाइलाइट्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिशियल सर्वर और मेरे क्लैन के सर्वर की लिंक है, उनको ज्वाइन करो। मेरे सर्वर में जल्दी से 500 मेम्बर्स करवा दो। चलो गाइज, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।